रिसर्चर्स की जो मुस्तकिल हमारे साथ लगे हुए हैं पिछले पंद्रह बीस साल से अच्छा और वहाँ पे आ, जो है हम लोगों ने आ, इसको डिस्कवर करा आ, जो ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं ताकि बिना ऑपरेशन के स्पाइन को अपनी तरफ दोबारा उसको रिस्टोर कर दें ठीक है इसका नाम भी यही है स्पाइन सेंटर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर तो ये स्पेशली डिजाइन फॉर स्पाइन ट्रीटमेंट जी बिल्कुल ये ये जो है डिजाइन है ताकि स्पाइन से रिलेटेड जो कंडीशन है ठीक है जो भी स्पाइन से से, से ताल्लुक रखते हैं मर्ज उसका मुकम्मल इलाज हो ठीक है इसमें इसमें सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में आपने अब लॉन्च किया तो लाहौर में आपने इसको स्टार्ट किया तो ये अभी लॉन्च हो गया है स्टार्ट हो गया है आपका ये क्लिनिक जी सेंटर तो खुल गया है अच्छा और मरीज भी बेचारे बहुत सारे हैं इस वक्त जो इंतजार में थे कि यहाँ पे शुरू हो और पहले तो ये बेचारे यहाँ से उनको जाना पड़ता था मुख्तलिफ मुल्कों में इलाज के लिए अच्छा तो अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना अब यहाँ सेंटर होने से जो है उनके लिए बहुत आसानी आसानी होगी हो इसकी और भी ब्रांचेस हैं दूसरे मुमालिक में भी जी जी यहाँ से सबसे करीब तो अबुदाबी में है शारजा में है अच्छा फिर जॉर्डन में है हाँ। में उसके बाद जो है कतर में भी सेंटर खुल रहा है अभी जर्मनी में अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं स्पाइन की तो कितना कॉमन है ये मर्ज ये ये स्पाइन की प्रॉब्लम और स्पाइन से रिलेटेड जब दर्द शुरू होती है कितनी कॉमन परसेंटेज आप कहेंगे हमारे मुल्क में है तो इस वक्त जो है जो सबसे कंसर्वेटिव जो जो नंबर्स हैं इस वक्त वो ये कहनी है कि तकरीबन 80 फीसद लोग जो हैं जिंदगी में उनको कभी ना कभी जरूर जो है स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा अच्छा और ये कब स्टार्ट होता है कोई एज होती है जिससे ये स्टार्ट होता है हम लोग अब देख रहे हैं कि ये ज्यादातर जो है ये बचपने में शुरू होता है अच्छा और बच्चों में ये पाया जाता है बच्चों में भी होता है जी अच्छा बाई बर्थ भी रिलेटेड होता है इससे कोई बाय बर्थ तो कम होते हैं लेकिन बाय द टाइम दे गेट जब जब एक मतलब सात आठ बरस के हो जाते हैं उस वक्त जाहिर होना शुरू हो जाता है तो उसमें बच्चे क्या symptoms के क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चा अगर कम्प्लेन करे अपने पेरेंट्स से तो वो क्या कम्प्लेन करता है वो ज्यादातर ये होता है कि भाई सर में दर्द हो रहा है या अब जो है ना क्या नाम है मुझसे उठा नहीं जाता है तकलीफ में हूँ बैग उठाने में मुश्किल है हमारे लिए जो है ये चीजें नजर आने लगती है और अगर जरा पीठ पे अगर हाथ फेरे फें इंसान तो नजर आ जाता है कि जिसम जो है एक तरफ हल्का सा झुका जा रहा है कंधा अच्छा। एक तरफ नीचे हो जाता है हल्का हल्का लेकिन जरा इसके तरफ जो है गौर करना पड़ता है अगर गौर करके अगर माँ बाप देखे तो फौरन नजर आ जाता है इसमें किस किस्म के पेशेंट ज्यादातर आपके पास आते हैं इस बीमारी को लेकर ज्यादातर जो है वो क्रॉनिक पेन में आते हैं तकलीफ में आते हैं की दर्द हो रहा है स्पॉन्डिलाईटिस हो गई कहाँ दर्द शुरू होती है गर्द में सबसे हाँ, पहले दर्द में पीठ में अच्छा टांग में शुरू हो जाती है तकलीफ ठीक है लेकिन उसके लिए वो गोली खा लेते हैं टेम्प्रेरी तो वो ठीक हो जाती है लेकिन वो दोबारा से फिर शुरू हो जाएगी पेन बस असल में तो यही यही एक बहुत बड़ा मसला है जिस तरह से लोग जब अगर डेंटिस्ट के पास जाएं दांत के दर्द के लिए और अगर वो गोली खा के अगर वो चली जाए तो अगर डेंटिस्ट के पास जब वापस जाएंगे तो कहेंगे मसला गया नहीं था वो अंदर जो, अंदर जो कैविटी था वो सब अंदर तो जरासीम भरे हुए थे राइट right, राइट right. तो इसी तरह रीढ़ की हड्डी के साथ भी मसला है कि जो है ना इस वक्त जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है वो ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि दवा खा ली हमने जरा सा वो मालिश कर ली अच्छा। एक्सरसाइज कर लिया हमारा हमारी चीज हल हो गई हालांकि रीढ़ की हड्डी के साथ जो है ना मसला क्या होता है कि एक मतलब अंदर से मुतासर हो जाए वो अंदर से जो है गड़बड़ हो जाए और सिम्टम्स आने लगे ठीक है सिम्टम्स में जरा बता दें जरा सिम्टम्स में ये होता है कि मसलन जो है सर को घुमाने में जो है एक तरफ जो है टाइट हो जाए अच्छा हाँ। और जो है क्या नाम है हल्का हल्का कभी सर का दर्द या गर्दन में जो है जो कहते हैं मोच आ गई हाँ। या टाइट हाँ। हो गया अच्छा। टेंशन हो गया मसल हो गया इसी तरह रीढ़ की हड्डी में ये सारे बहुत साफ ये जो है अलामत होते हैं साइंस होते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये पक्की बात है अच्छा ये, ये इसी तरह नहीं होते हैं कि भाई चलते फिरते जो है इंसान को आ जाए इंसान खुद सोचे कि अल्लाह पाक ने एक चीज बनाई है वो ऐसी चलते फिरते जो है जरा सा घूम गया और ये तकलीफ देने लगे ये तो नहीं हो सकता है अक्सर कुछ न कुछ झटका लगा होता है अच्छा। कहीं से जो है पॉस्चर की वजह से बहुत सालों के बाद जो है पूरा जिससे हमारे ऑफिस में जॉब की नेचर ऐसी होती है कि कंप्यूटर के सामने बैठे रहे हैं चार घंटे पांच घंटे कंटिन्यूस तो वो कहते हैं जी गर्द न गई और दर्द हो रहा है कमर में तो ये ये इससे रिलेटेड हो, जा, हो सकता है प्रॉब्लम अक्सर ये जो है ना ये इनको बढ़ा देती है तो अच्छा फिर उससे अंदाजा होता है की वाकई में अंदर प्रॉब्लम है की भाई एक घंटे दो घंटे के बाद तकलीफ शुरू हो जाए आ, इसके मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ अंदर जो है कुछ कुछ है लेकिन इसके लिए, लिए हमारे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि कोई बात नहीं आप इस तरह बेड पे सोते हैं तो नीचे आप फ्लैट बेड पे सोना शुरू कर दें या नीचे डाल के गद्दा डाल के सोना शुरू कर दें उससे टेम्प्रेरी रिलीफ तो आ जाता है इज दैट अ प्रॉपर थिंग टू डू कभी कभार उससे कभार्पेरी रिलीफ आ भी जाता है लेकिन अगर एक्सपर्ट के अतबार से पूछें तो ये बहुत गलत काम हुआ है अच्छा अगर वो तकलीफ चली जाती है तो ये तो असल जो तकलीफ का जाना है ये बहुत गड़बड़ हो गया क्योंकि वो बंदा ये समझता है कि ये बंदी ये समझती है कि ये हमारा प्रॉब्लम अब चला गया हाँ, लेकिन, लेकिन अंदर से जो रीढ़ की हड्डी है और जो बहुत नाजुक स, जो नसें होती है गया और जो है हाँ, क्या नाम है और लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे करके इंसान जो है बल्कि उनकी हाइट कम होती जाती है सालों के बाद अच्छा और जो है झुकने लगता है इंसान और ये धीरे 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 करके होती है ये एकदम से नहीं आती है क्या पाकिस्तान में आ गया लेकिन इस स्पाइन क्लिनिक में क्या खास बात है क्या यूनिकनेस है जो कि आप इसको यहां पे लाए और इंट्रोड्यूस किया ये जो सेंटर है ये बहुत लिमिटेड सेंटर्स हैं इस तरह की दुनिया में और बहुत खास सेंटर्स हैं ये अच्छा जिसमें बहुत ही डिटेल में जो है हम लोग असेस करते हैं स्पाइन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली okay. तो पहला जो विजिट होता है वही उसी में डेढ़ घंटा लग जाता है अच्छा उसको पूरा यानी पूरे अंडरस्टैंड करने में कि क्या हुआ क्या है और बहुत खास इक्विपमेंट भी होता है हम लोगों के क्या जिसके जरिए से जो है हमें अंदाजा हो जाता है कि इस स्पाइन में क्या मसला क्या हुआ क्या है ओके। और किस तरह ये मुतासर हुआ है किस तरह ये अपनी जगह से हट गया है और कैसे इसके असरा है इस वक्त इस पेशेंट के ऊपर यानी ये, ये स्पाइन क्लिनिक जो है आपका स्पाइन सेंटर जो है बेसिकली इसमें देर इज नो सर्जरी इन्वॉल्व नो देर इज नो सर्जरी इन्वॉल्व इनफैक्ट यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो इसको जो है पूरा असेस करने के बाद और uh -huh. डायग्नोज करने के बाद जो है जिसमें हम लोग सारे जो प्रीवियस हिस्ट्री है रिपोर्ट्स होती हैं सारे जो एम के सारा कुछ सारा कुछ कंपाइल करने के बाद ठीक है हम लोग इसको गेज करते हैं कि इसका आगे का इलाज कैसे होना है अच्छा. और उसमें इलाज आगे के लिए जो है उसमें फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो के के टी इक्विपमेंट है ओके। okay. जो बहुत ही खास इक्विपमेंट है और ये साइंटिफिकली इक्विपमेंट सारा लगाया गया है और ये सारा कुछ हुआ है इसमें हाँ ये। बहुत ही यानी साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं ओके okay. जो जिसके जरिए से जो है हम लोग इस इक्विपमेंट में जो है, जो है जो खासियत है वो क्वांटम अकुस्टिक वेव्स की है अच्छा ये खास वेव्स होते हैं जो हम भेजते हैं और हर इंसान के अपने प्रोफाइल होता है अपने सिग्नेचर फ्रीक्वेंसीज होते हैं अच्छा हर एक इंसान को अल्लाह पाक ने इस तरह बनाया कि उनके एक, एक उनका एक एक, एक, एक निज़ाम होता है अंदर का ठीक है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके ठीक है उसके अतबार से हम लोग भेजते हैं इन वेव्स को और उस जो है फॉरन के फॉरन जो है जिसम अपनी जगह जो है अपने मरकज पे आने लगता है अपने अच्छा। अपने पोजिशन अपने, अपने अपने पे अच्छा और फिर जो है ना उसके साथ साथ जो है टाइम वी हैव टू फॉलो अप ओके तो इसमें जो मैनेजमेंट होता है पेशेंट का आगे चल के वो बहुत ही जरूरी होता है ठीक है तो इसमें यानी फॉरन जाहिर है फॉरन फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद ही जो है नजर आने लगता है वो तो आंखों से नजर आ जाता है कि ये जो है एकदम से जिसम जो है सीधा होता है और और जो है जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्मूथ होने लगते है और अच्छा। इसी तरह जो है कुछ कुछ जो जहां जहाँ तकलीफ थी वहां पे तकलीफ भी हटने लगती है अपनी जगह से अच्छा लेकिन इसके डिफरेंट सेटिंग होती है यानी कि एक ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को तकरीबन कितना अरसा लग जाता है एक पेशेंट को तो इसका जो प्रोसेस है वो उसमें लग जाते हैं यानी काफी हफ्ते काफी हफ्ते जी, अच्छा। और उसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं और ये डिटरमिन करते हैं हम लोग पूरा कंसल्टेशन के बाद अच्छा कितना यानी इनके मर्ज को देखते हुए किस तरह इसको मैनेज करना है अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है नहीं अब तक जो है यानी लाखों पेशेंट्स को की ट्रीटमेंट हुई है ग्लोबली और और अल्लाह के शुक्र से अब तक जो है कोई इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है ये एक रिस्टोरेटिव प्रोसीजर है लेडीज के हवाले से हम बात करें तो कोई अगर एक्सपेक्टिंग मदर है ये बाद में फीडिंग मदर है तो उसके लिए तो नहीं है ये प्रॉब्लमेटिक चीज तो नहीं है बिल्कुल नहीं है सिर्फ ये होता है कि हमें शुरू में क्यूँकी एक्सरेज लेने होते हैं ठीक तो है अगर प्रेगनेंसी के हाल में आए तो हम उस वक्त एक्सरेज नहीं लेते हैं अच्छा हम इंतजार करते हैं हालांकि ये अफसोस की बात होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है जी। बहुत जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की क्योंकि स्पाइन के ऊपर इतना बोझ होता है लेकिन हम हम इंतजार करते हैं कि प्रेगनेंसी जैसी ही खत्म हो ठीक है शुरू के वक्त में ही हम उसका इलाज करें इससे पहले कि वो जिसम अपनी जगह सेट होने लगे अच्छा ये एक यूनिक फिनोमिनल होता है बहुत अच्छा मौका होता है एक दफा हम आप लोगों को बताते हैं की आप अप्रोच करना चाहते हैं तो के के टी आर्थोपीडिक स्पाइन सेंटर इस वक्त लोकेटेड है मौलाना शौकत अली रोड पे इनका हेड ऑफिस है फोर्टी नाइन ई ब्लॉक जौहर टाउन और लाहौर में है अगर आप उनको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो जीरो फोर टू पहले डायल करें थ्री फाइव ट्रिपल टू नाइन एट जीरो से एट फोर तक लाइन्स है और इनकी वेबसाइट भी है वो मैं बता चलू डब्ल्यू 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 डॉट के के टी पाकिस्तान .com जी बातें उनसे हो रही थी तो बात हुई थी जी 80% तो आपने कहा कि इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान में तो इससे रिलेटेड हाउ आर यू हेल्पिंग पीपल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में कि ये प्रॉब्लम है जो आपको इट कुड लीड टू मेजर प्रॉब्लम इन योर लाइफ मोना यहां पे इस वक्त जो है आम, पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि जैसे مختلف جگہوں پہ دنیا میں के लोगों के अंदर इसका एहसास ही नहीं है कि स्पाइन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो इतने इतनी आबादी में इतने लोगों में है ठीक है कि अस्सी फीसद लोगों में जो है स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और यहाँ तक कि ये तो बहुत कंजरवेटिव है और ये यह यानी यह यहां तक सोचा जा रहा है कि अगर इसका यानी इफ पर्सन लिव्स लॉन्ग इनफ जिंदगी में रहता है तो कभी ना कभी ये क्रिपल हो जाएगा बंदा कभी ना कभी हाँ, अच्छा इसके जरिए से वजह यह है कि कि ये डैमेज जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है एज में अक्सर अच्छा और ये अनडिटेक्टेड होता है व, वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है एक्टिविटीज जो है बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं और ये सारी चीज़ें काम का जो स्ट्रेस जो है ये बजाय ये कि कभी कभार ये बजाय ये कि एनाबॉलिक हो कि ये और ज्यादा और ज्यादा तंदुरुस्ती दें ये दूसरी तरफ ले जाती हैं अच्छा तो बिना स्पाइन को ठीक असेस करे हुए और इसका सही इलाज करे हुए अगर लोग जो है एक्टिविटीज करते हैं सही तो फिर होता क्या है कि अक्सर जो है डैमेज अंदर ही अंदर होता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है ठीक तो है। मैं अक्सर देखता हूँ जिम्स में वगैरह यहाँ पे कि लोग जो है ना कि लोग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं पूरा जिसम तिरछा होता है सही अब जाहिर है जो इंसान इस तरह का एक्सरसाइज करेगा उसके लिए कैसे फायदेमंद होगा हार्ट के लिए तो ठीक है तो वो उसमें फिर जाहिर अगर अगर बॉडी को अपने नॉर्मल पोजीशन में ले लिया जाए सही और उसको हल्का सा रिजेनरेट कर ले जो डिस्क हैं और वो सारी जो अंदर की चीजें हैं जो अंदर का निज़ाम है वो एक मरतबा सॉलिड हो जाए तो फिर अगर उसको उल्टा भी लटका दिया जाए तो कोई मसला नहीं कोई होगा। मसला नहीं, अच्छा। लेकिन उसके बिना जो है खासतौर से बहुत सारे जो गेम्स भी हैं गोल्फ है टेनिस है जो साइडेड एक्टिविटीज हैं ठीक है, है। गोल्फर्स के लिए तो इतना इतना जबरदस्त डैमेज होता है इनके डिस्क में और जो है टेनिस प्लेयर क्योंकि उनका पोस्टर ही ऐसे होता है कि उन्हें बेंड करके तो वो करना होता बिल्कुल क्रिकेट हॉकी वाले अगर उनका जिस्म को अपनी निजाम पे ना लेके आए तो दो चीजें होती है एक तो जिस्म जो है घिस जाता है अच्छा अंदर ही से ओके आ, इसका ये समझे जिस तरह से एक अलाइनमेंट गाड़ी की होती है अगर उसको ना सीखे टायर्स तो फट जाते हैं से तो गे इसी गे। तरह जो है ना पॉपकॉर्न की तरह जो है ना ये डिस्क जो है फटते चले जाते हैं अच्छा। या अंदर से डैमेज हो जाते हैं या जो और फिर जो है जिस जो है उसमें जो है उसको अपनी तरफ से अंदर रिपेयर करना होता है ठीक है उसी को हम लोग फिर वो स्पॉन्डलाइट ऐसी कहते हैं और सारे कुछ नाम दिए जाते हैं अच्छा इसमें जो ज्यादा डॉक्टर्स है जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है हाउ कैन दे हेल्प यू इन दिस रिगार्ड तो होता क्या है इसमें जो है ना जब एक मतलब जो शार्प डॉक्टर्स होते हैं वो तो फॉरन इसको समझ लेते हैं ठीक है के, के ये जो है डैमेज है और हम सर्जरी से एक हिस्से को तो हम सही कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये पूरा निज़ाम जो है इसका नहीं हम ठीक कर सकते, सकते हैं और सर्जरी है। में भी हंड्रेड परसेंट इस... रिजल्ट नहीं होता सर्जरी में और इसकी वजह भी होती है सर्जरी तो हंड्रेड परसेंट आउटकम होता है ठीक है लेकिन मसला क्या होता है कि क्योंकि बॉडी जो है अपनी जगह सही नहीं होती है और और कॉम्प्लिकेशंस होती है तो जिसने बेचारे ने ऑपरेशन करा होता है वो तो सही करा ठीक है लेकिन इसको अपने मुकाम पे ला करके रिस्टोर करके उसके बाद अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो जाके जितना करना है वो करके निकल आए सही तो फिर जाहिर है आउटकम्स बेहतर होते हैं ठीक है तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त मौका ये है कि सेंटर के होने से और इनशाला करे जल्द से जल्द हर जगह जो है ये अपॉर्चुनिटी आ जाए मुल्क में इस सेंटर इन सेंटर इसके ज़रिए से जो है डॉक्टर्स जो है वहाँ रिफर कर सकते हैं पेशेंट उसको जो है अब तरीके से जो है स्पाइन को अपनी जगह रिस्टोर कर लिया जाए जितना हो सकता है इंसानी अतबार से और उसके बाद जो अगर और किसी कुछ ज़रूरत पड़े चाहे सर्जरी हो चाहे जो है और भी प्रोसीजर्स होती हैं तो जितना ज़रूरत हो वो करके जो है केस जो है बहुत क्लीन होता है सेकेंडरी टर्शरी सर्जरी की कम जरूरत पड़ती है या बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती है थीक, थीक। और पोस्ट सर्जिकल कंडीशन जिसमें सर्जरी हो चुका है उसको भी मैनेज करने के लिए जाहिर है पहला जो है स्टेट हम लोग को करना होता है कि पहले स्पाइन को अपनी जगह ला के रिस्टोर करके और फिर जितना हो सकता है क्योंकि सर्जरी हो चुका होता है तो फिर भी करना पड़ता है जो करना जो जो भी करना पड़े इस वक्त और उनके लिए जो है एक मतलब स्पाइन को अपनी जगह ला करके उसको स्टिम्युलेट करके ठीक है रिपोजिशन करके आ, फिर मौका देते हैं कि के पास भेजें। और आई जी अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं तो के के टी ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर आपको बता चाहूँ। इट्स फोर्टी नाइन ई ब्लॉक जौहर टाउन लाहौर और अगर आप कॉल करना चाहते हैं फॉर अपॉइंटमेंट इट्स जीरो फोर टू थ्री फाइव ट्रिपल टू नाइन एट जीरो से एट फोर तक लाइंस है या आप इनको ई मेल भी कर सकते हैं इन्फो एट के के टी डॉट कॉम कोई कोई ऐसा इंसिडेंट कोई ऐसी करना अभी जो आपके पास आई हो रिसेंटली और वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे अभी हम लोग की एक पेशेंट थी एटी थ्री बरस की उम्र में माशा उसने पूरा मैराथन रन कराए अच्छा एटी थ्री थ्री की उम्र में लेकिन उसने जो इलाज करवाया था बीस साल पहले करवाया था okay. और उसके बाद जो है हैड वेरी गुड मेंटेनेंस केयर अच्छा। बहुत प्रॉपर में कर, करती थी एटी थ्री और उस वक्त जो हाल था उनका बहुत खराब था अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जो है वो मैराथन रन कर रही है तो ये तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे इस तरह हैं अच्छा, इसमें है जो हम खाना पीना जिस तरह का हमारा है जंक फूड एंड एवरीथिंग डज दिस कॉज एनी काइंड ऑफ ट्रबल एज वेल लेटर ऑन फॉर इट न्यूट्रिय वैल्यू उनकी कम होती है ऑर्गेनिक होते नहीं है और फिर जो है जाहिर है उसमें बहुत सारे और चीजें होती है ये खैर दूसरी टॉपिक है तो इसकी वजह से जो अंदर का निज़ाम चाहे बच्चे और और बड़े भी बाहर से जो है उनको ताकत उनकी आ जाती है सही। उनके बॉडी में मसल्स में बाकी चीज़ों में लेकिन अंदर का जो निज़ाम होता है ना हाँ। जो लेगमेंट होती हैं जॉइंट्स होते हैं वो बहुत वीक होती हैं ओके और ये भी में एक ग्लोबल फिनोमिन है कि हमारे यहाँ भी अमेरिका में जो प्रो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको इतनी जल्दी आजकल जो है उनको उनको कंकशंस होते हैं जो है उनको इंजरीज हो जाती हैं और वजह ये होता है कि हालांकि बाहर से बहुत बड़े होते हैं सही। और बहुत मजबूत होते हैं बाहिर है। लेकिन अंदर का निज़ाम जो है बहुत ही हल्का फुल्का होता है हल्का होता है ओके। पहले एक जमाना ये भी था कि लोग जो थे चाहे बाहर से लगते थे पुराने रिक्शे वाले जो साइकिल चलाते थे बिल्कुल महीन से लगते थे लेकिन उनको जो है उनकी हड्डियों का अगर एक्सरे करते थे तो बहुत पावर लगाना पड़ता था ताकि वो एक्सरे नजर आ जाए अच्छा ये फर्क है अगर आप भी जाना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट है www.kktpakistan.com या आप इनको ईमेल कर सकते हैं info@kktpakistan.com एट के टी पाकिस्तान डॉट कॉम कॉल भी कर सकते हैं जीरो फोर टू थ्री फाइव ट्रिपल टू नाइन एट जीरो एट फोर डॉक्टर असलम खान हमारे साथ है कोई ऐसा इंसिडेंट कोई ऐसी केस स्टडी शेयर करना चाहेंगे अभी जो आपके पास आई हो रिसेंटली और जी अभी आज ही अभी तो सेंटर खुला ही है और जैसे मैं आज रहा था कि अभी भी हो गया। <laughs> वो बुकिंग जा है बुकिंग्स जी लेकिन so, हुआ कि आज ही एक केस आए थे बहुत ज्यादा तकलीफ में थी अच्छा और बहुत इंतजार रही थी कि ये सेंटर कब खुलेगा कब अच्छा खुलेगा अच्छा। तो वो आई थी और उनका जैसी हमने उनका असेसमेंट करा तो हमें ये पता चला कि इनके जो सिम्टम्स है वो सारे एक तरफ थे उनके जिस्म के अच्छा तो उनका जो था यानी अब्डामिनल पेन भी राइट साइड पे था अच्छा। जिसकी वजह से जो है और और उनके जो है चेस्ट में भी हल्का सा तकलीफ था राइट तरफ ओ। और क्या नाम है उनके गर्दन में भी राइट तरफ तकलीफ थी तो इन सब चीजों को जब हम लोगों ने सब देखा तो फौरन के फौरन हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि स्पाइन तो डिसफिगर था नजर आ गया था सब जैसी हम लोगों ने सब मशीन पे रखे सब मेजरमेंट्स करे और उसके बाद जब पेशेंट को फिर हम लोगों ने फौरन भेजा तो देखा कि जो अल्ट्रासाउंड करा पेट में वो भी सारा राइट right साइड था अच्छा तो ये एक, ये एक एक यूनिक चीज नहीं है स्पाइन का जो असर होता है वो पूरा का पूरा बॉडी के ऊपर होता है क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है जो स्पाइन और ब्रेन होता है ठीक है वही सारे निजाम को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल करती है तो जैसी स्पाइन मुतासर होती है जैसी निजाम अंदर का जो है वो टेंशन पड़ता है स्पाइन पे फॉरन के फौरन जो अंदर के जो जिसम के जो निज़ाम है उसके ऊपर जरूर असर पड़ता है इट हैज टू इन सम वे वी कैन नॉट इग्नोर दैट कंपोनेंट द न्यूरोजेनिक कंपोनेंट तो जिस तरह से हम लोगों का ये एक रहा है कि जिस तरह से जिस तरह से हमें यूनिक हमें रूटीन ब्लड टेस्ट या हार्ट जो है ब्लड प्रेशर चेक करना और सब कुछ करना कोलेस्ट्रॉल वगैरह और इसी तरह जो है स्पाइन का भी चेकअप बहुत ही जरूरी है लाजिम है अच्छा तो ये स्पाइन के चेकअप होता कहां से आपके पास हाँ, ये स्पाइन चेकअप हमारे यहाँ भी होता है ठीक है और 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 जाहिर है बहुत डिटेल में होता है और फौरन उसके बाद जो है अंदाजा लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है अब जाहिर है टॉपिक चाहे इलाज करें ना करें ये तो सेपरेट टॉपिक है ठीक है और अगर करवाना हो जाहिर है वो भी हो सकता है, है। लेकिन At इतना पता चलना कि इस वक्त हमारा क्या हिसाब है हमारे स्पाइन का और नर्वस सिस्टम जो एसोसिएटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ठीक है इसका क्या Uh, क्या पोजीशन है ये ये पता करना तो बहुत जरूरी है ओके okay, ठीक है नहीं जी बड़ी मजेदार बातें रही और आपसे बड़ा मजा आया दिल तो चाह रहा है कि मजीद बातें पूछे तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो

ब्लॉक जोह टाउन लाहौर या आप इनको ई मेल भी कर सकते हैं इन्फो एट के के टी पाकिस्तान डॉट कॉम वेबसाइट इस डब्ल्यू 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 डॉट के के टी पाकिस्तान डॉट कॉम इनशाला आपसे दोबारा मुलाकात होगी टिल देन अल्लाह हाफिज